तुम तो बोले जेल भी भेज देंगे उनको, हमने सुना। यार कानून कहती है तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा, कानून के सामने हम भी नहीं कुछ कर सकते। तुम नेता टाइप बोलते हो, चुनाव उन्होंने लड़ना है क्या? नेता टाइप चाहे बोले, हमको नेता में जाना ही नहीं है। क्या करना है फिर? हमको आईएएस बनना है। क्या करोगे आईएएस बन के? आईएएस बन के हम शिक्षा प्रशासन और भ्रष्टाचारियों, हमसे जो नीचे रहते हैं भ्रष्टाचारियों, और जो है नियम का पालन इतना चीज हम करवा। अगर आईएएस नहीं बन पाए तो क्या बनोगे फिर? हम तो पहला बार अगर नाकामयाब होते हैं तो हम दूसरा बार अवश्य कामयाब। नीतीश जी के गृह जिले में, या कहिए तो नीतीश जी के गाँव में, एक बच्चा अभी बड़ी चर्चा में है। वो बच्चा हमारे साथ है, बड़ा पूरी देश की मीडिया इधर आ रही है। देखे हम 5-7 गाड़ी तुम्हारे घर के बगल में लगा था, ऐसा क्या हुआ? हमको समाचार मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपने पत्नी मंजू देवी सिन्हा की पुण्यतिथि पर आ रहे हैं, तो हम गए। मैंने गए वहाँ पर पहुँचे तो हम बोले सर से, सब लोग मैंने सहयोग किए तो बोले सर से कि सर जो है हम को इतना मैंने क्षमता गार्जियन के नहीं है पढ़ाने का, हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दी। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हैं गार्जियन, तो हम बोले कि दही बेचते हैं और ये क्या कहते हैं खेती करते हैं। तो उसके बाद जो है वो बोले कि उन सब का पैसा कहाँ जाता, उससे पढ़ाना ना चाहिए, गार्जियन ही पढ़ाते हैं। तो हम बोले गार्जियन उतना सक्षम नहीं है सर, और शराब पी जाते हैं। मैंने तो बोले कि अच्छा ठीक। तो उसके बाद बोले कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, DDC जो साहब थे वो बोले। आज कहाँ जा रहे हो? अभी तुम तो जा रहे थे कहीं, शायद कार में बैठ करके। यस, बड़ा डिमांड है तुम्हारा। यस, तो कहाँ जा रहे थे? DM सर के पास। DM साहब बुलाए हैं? हाँ। तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद इस बच्चे को DM कार्यालय में बुलाया गया और वहाँ ये जा रहा है। तो सुना है कि तुम पढ़ाते हो, देखने में इतना छोटा लगते हो, तो तुम पढ़ते हो या पढ़ाते हो? पढ़ते और पढ़ाते दोनों। किसको पढ़ाते हो? जैसे हमसे जो छोटा का है, मैंने पाँचवीं में हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है। तो पाँचवें के बच्चे को तुम पढ़ा भी देते हो? क्यों नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम एक साल जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं। हाँ सर, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। कितने बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे पास? 35 था, तो उसमें मैंने 10-15 को जो है मैंने इधर उधर, मैंने क्या कहता हूँ, वो शादी लगन में कोई घूमने गया है गर्मी की छुट्टी मनाने, इस प्रकार से। कितना पैसा लेते हो एक बच्चे से? एक बच्चे से है 100 रुपया है, जिसका लिखने नहीं आता उसको, एक बच्चा है जो कि लिखने नहीं आता है उसका 50 रुपया। 50 रुपया एक महीने में? 100 रुपया। यस। अच्छा, तो लगता है कि बिहार के जो स्कूल है, जो सरकारी, तुमने कहा कि सरकारी स्कूल सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो मैं कहीं और, तो उस क्या सरकारी स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? सरकारी स्कूल से ये प्रॉब्लम है कि सरकारी स्कूल में जो सर है, दीपक कुमार नाम के सर हैं, जिनको कि खुद नहीं आता है, मैंने पढ़ने जो है इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ाते थे और उसका हिंदी नहीं समझा पाए हमको, इसलिए वो बोले मिस को पूछ लो। अब उस समय मिस उधर थे, हमको तो हमको उस समय बहुत परेशानी हुई कि मैंने हम उनको बोले कि भाई सर आप क्यों नहीं बता सकते, तो बोले कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो हम बोले कि आप हमको तो सब्जेक्ट, आप तो सब्जेक्ट भी नहीं बताते हैं कि कौन सब्जेक्ट लेते आते हैं। एक आध दिन ABCD लिखते हैं तो एक दिन कागा लिखते हैं, और बाद बैठ जाते हैं ऑफिस में। तो बोले कि जाओ आराम से मिस से पूछ लो, उसके बाद मैंने हम छोड़ के, हाँ हो भी सकता हूँ। अभी कहाँ पढ़ते हो? अभी सरकारी में पढ़ते हैं। तो तुम बोले सरकारी स्कूल पढ़ाता नहीं है और तुम पढ़ते भी वहीं हो, मतलब? सर लेकिन करे क्या, अब कम से कम एक जगह जाएंगे तो भी हैं, जाना तो भी पढ़वे ना करेगा। आजकल लोग बच्चे जो है तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं, मेरा बेटा भी इतना 11 साल, कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 11। वो भी 11 साल होने वाला है उसका। दिन भर में अगर स्कूल से आता है तो 5 घंटा अगर वो रहता है तो 4 घंटा मोबाइल में गेम खेलता है। तुम भी खेलते हो? मोबाइल तो है नहीं? नहीं, गेम नहीं खेलते। तो हमको जो समय मिलता है तो हम देखते भल्लू हैं। क्या देखते हो? मैंने जैसे कोई, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पीच, बिहार का मुख्यमंत्री जी का स्पीच, सदन का हंगामा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, माननीय, मतलब राजनीति में इंटरेस्ट है तुम्हारा? नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, उनसे हम सीखते हैं। क्या? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनका एक चैनल है नरेंद्र मोदी निकाल रहता है मोदी जी उस पर वो है। एक बच्चे जो है, बच्चों से सवाल पूछे उससे, मैंने उसमें हमको इंटरेस्ट है कि उनका वीडियो हम देखते हैं तो कुछ मैंने सीखने को मिला। फिल्म देखते हो? वीडियो देखते हो तो उसमें? हाँ, फिल्म देखते हैं संडे को। तो कौन
जैसे नायक हो गए राजनीति, एगो गीता रानी मैडम वाला जो कि स्कूल के बारे में। कौन सा फिल्म तुम्हें सबसे बढ़िया लगा और उसको बार बार देख? सबसे अच्छा तो लगा ये गीता रानी वाला। कौन हीरो है उसमें? उसमें हीरो है गीता रानी। इसको मैं हीरो की अगर बात किया जाए तो उसमें कोई हम नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक फिल्म है जो कि हमारे जो सर हैं उनको बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, तुमने नीतीश जी को बोला कि वो स्कूल हमें पढ़ाता नहीं, कहीं और एडमिशन कर, तो अभी तुम कोई स्कूल चूज कर रखे हो जहाँ एडमिशन होना चाहिए? अभी चूज नहीं किए हैं, हम ये चाहते हैं कि वो सर जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पहले वो काम जो हम बोल रहे हैं पहले उस पर विचार करें। और हम ये चाहते हैं कि भारत के सबसे नंबर वन प्राइवेट स्कूल कौन है? नंबर वन प्राइवेट स्कूल भारत में कौन है? तो तुम प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ना चाहते हो नंबर? क्योंकि सरकारी में सर नीतीश जी भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। नीतीश जी पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, प्रधानमंत्री भी पढ़े। पहले के जमाना में ये जानिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था, कड़ाई थी। कौन बोला तुम्हें? सब बूढ़ा बुजुर्ग बोलते हैं। अच्छा, तो अंग्रेजी भी तुम बोल रहे हो, अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं तुम्हें? अंग्रेजी कोई हमको पता नहीं है, लेकिन एक साल गए थे तो उसमें मैंने बोला यस सर नो सर सर, तो लेकिन एक जो साल पढ़े हैं यही 5 महीना से मैंने हल छूटा है। अभी अब ड्रेस भी कुछ नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप एक वीडियो में। अच्छा, तो अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हो क्लास 5 में? क्लास 5 में मैंने सरकारी से सब रहता, कोई प्राइवेट से नहीं है हमारे, मैंने सब ABCD में है। किसी को मैंने उतना उच्च शिक्षा नहीं मिला है, उसको साइंस सिस्टम मैंने। तो क्लास 5 का बच्चा ABCD सीखता तुम्हारे पास? यस, क्योंकि सरकारी स्कूल में इससे भी कम होता है। तो तुम नेता टाइप बोलते हो, चुनाव उन्होंने लड़ना है क्या आगे? नेता टाइप क्या है बोले, हमको नेता में जाना ही नहीं है। क्या करना है फिर? पहनने से पहनावा से थोड़ा हो जाता है नेता में, हमको IAS बनना है, IAS उससे हम सभी को सुधार सकते हैं। क्या करोगे IAS बन के? IAS बन के हम शिक्षा प्रशासन और भ्रष्टाचारियों, हमसे जो नीचे रहते हैं भ्रष्टाचारियों, और जो है नियम का पालन इतना चीज हम करवा देंगे। कौन नेता अच्छा लगता है उसके स्टाइल में थोड़ा बोल के बताओ? हमको तो अगर देखा जाए तो माननीय जो है नरेंद्र मोदी, वो भाषण ऐसे विस्फोट कर देते हैं। बताओ। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों से इतना के बाद हमको नहीं आता बोलना, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि देखिए मेरे प्यारे बिहार के जनता, जैसे पटना में जितना कमी थी सबको मैंने पूरा किया है, जितना भी बिजली पहुंचाई, सड़क गांव-गांव पक्की सड़कें हुई, मैंने यही सब वो बोलते हैं। अच्छा, यही सब बोलते हैं। मोदी जी तुम्हें अच्छा लगते हैं? हमको ये दोनों अच्छा लगते हैं। तो मोदी जी बुलाएंगे तो मिलने जाओगे? हाँ अवश्य जाएंगे। अवश्य जाएंगे। क्या मांगोगे उनसे? उनसे क्या मांगेंगे यार, हमको बिहार सरकार पूरा कर देते हैं तो हमको तो एक ही चीज मांगना है, वो है हमारा शिक्षा। अब शिक्षा बिहार सरकार पूरा कर देंगे, उसके बाद वो बुलाते हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आपके राज्य में तो हम धन हो गए, धन आप इतना जो है अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद देने जाओगे। अच्छा, एक तुम्हारे तरफ से एक मैसेज हम जो है चाहते हैं कि जो लोग तुम्हें देख रहे हैं उसको तुम कुछ कहना चाहते हो, बताओ? क्या कहना चाहेंगे सर, यही जो शराबियों हैं उनको तो हम कहना चाहेंगे कि शराब मत पियो, इसमें आपका नुकसान है। चलिए, तो एक बच्चा है जो सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस को देख करके इन चीज़ों को सीखा है और इसको जो है आम बच्चों को सिखाने का कोशिश भी कर, तुम्हारे पास जो बच्चे आते हैं उसको सिखाते हो तुम? हाँ। ये सब चीज़ें? यस। तो पापा को कभी अपने से नहीं बोले कि पापा दारू मत पीजिए? बोले हैं लेकिन मानते नहीं। अब एक बार मीडिया में आ गया तो अब मान गए? तुम तो बोले जेल भी भेज देंगे उनको, हमने सुना। अगर कानून कहती है तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा, कानून के सामने हम भी नहीं कुछ कर सकते। अगर IAS नहीं बन पाए तो क्या बनोगे फिर? हम तो पहला बार अगर नाकामयाब होते हैं तो हम दूसरा बार अवश्य कामयाब होंगे। ये क्यों नहीं चाहते प्रधानमंत्री बन जाए, पूरा देश बदल डाले? देखिए सर, रातों रात नोटबंदी हो जाए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम सुखी कभी नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक ही बात गूंजेगा दिमाग में, जनता कल वोट हमको देगी कि नहीं देगी। ये जो राजनीति में रहता है उसको यह पता चलता है, हमेशा पता चलता है क्या करेंगे कि जनता वोट देगी, क्या इससे अच्छा काम। रात को नींद नहीं आएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री से इसका इंटरव्यू लीजिएगा ना तो पूछिएगा कि आपको पता चलता है कि अगली बार क्या होगा चुनाव में? टेंशन सभी को रहता है। अब DM बनेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम अच्छा से काम करेंगे।
टेंशन से मुक्त ना रहेंगे। अब हमको चुनावी दौरा पर कभी जाएगा पड़ेगा, तो कभी सदन में जाओ, तो कभी विधायक के टिकट लेने जाओ, तो कभी मुख्यमंत्री का टिकट लेने जाओ। जो डीएम बनता पता उसको क्या करना होता, एक्सीडेंट होता तो उसको भी वहाँ भी आना होता, रोड बंद करता वहाँ भी आना होता। देखिए तुम्हारे गाँव में नल नहीं चलेगा तो वहाँ भी आना पड़ेगा उनको। सब हम सीधा करेंगे जब हम बनेंगे ना, तो हम सब सीधा करेंगे। और जो ये सब करवाते हैं, जो ये सब गलत काम करते हैं, उनकी वजह से ना होता है, आना पड़ता है। हम तो रहेंगे तो हम एक हम महीना में एक बार हर पंच अपने जिला में हर प्रखंड में हम आवेंगे, हर 6 महीना पर एक प्रखंड में। सपने बड़े हैं और ये सपने साकार हों, और इसने जो सोचा है वो अगर ज़मीन पर उतर जाए तो लगता है देश बदल जाए, इस तरह क्या सोच है इस बच्चे का। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो लाइक कमेंट मत करिए, शेयर करिए। अच्छा शेयर करेगा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, और लोग जानेगा तो और लोग को ये शराब वाला और भ्रष्टाचारों की बात अच्छा लगेगी। और हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार अफसरों के लिए कर रहे हैं। तो चलिए इसने अपना मैसेज दे दिया, और अगर आपको भी अच्छा लगा तो ये इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।